अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली BSc पेपर डी और BS के पेपर प्लांट इकोलॉजी का एक टॉपिक है। सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज इसके थोड़ा से बेनिफिट्स और टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। कि सॉइल डिफरेंट इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल जब आपस में एग्रीगेट होते हैं, मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो जो सॉलिड मैस बनाते हैं लाइक दिस, ये डिफरेंट इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। ये आपस में क्या होते हैं, जब मिलते हैं एग्रीगेट होते हैं तो सॉलिड सा मैस बनाते हैं, जिसको सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसका फर्स्ट बेनिफिट तो ये होता है कि सॉइल ये क्या करता है, परमिएबल बनाता है सॉइल को वाटर एंड फॉरवर्ड एंड हीट। ये वाटर और हीट के लिए सॉइल को क्या करता है, परमिएबल बनाता है। उसके बाद इंक्रीज़ करता है सॉइल एरिएशन को, सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको इंक्रीज़ करता है। सॉइल वाटर, सॉइल में जो वाटर होता है वो इंक्रीज़ करती है। और इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर तो चलें ठीक है प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उसको इंक्रीज़ भी करता है। अगर ये होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ ना करे तब भी प्लांट्स को उस वाटर का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये सॉइल को इरोजन से प्रिवेंट करती है, किस उसमें जो कटाव कमल होता है उसको भी रोकती है। बिकॉज क्योंकि एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल, आपस में जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में एग्रीगेट होते हैं, चिपके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इरोजन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो है ना सी ओरिजन के अंदर पाया जाता है। सी ओरिजन आपको पता है जो अपर लेयर होती है उसको ए ओरिजन कहते हैं, और जो लोअर लेयर ऑफ सॉइल होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सी ओरिजन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं। टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है प्लेटी सॉइल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो हॉरिजेंटली अरेंज्ड होते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेटी सॉइल कहते हैं। और ये जो ज़्यादातर ये कहाँ पर होते हैं, अपर लेयर कंटेंट प्लेटी सॉइल। अपर लेयर मतलब ए जो हॉरिजन होता है उसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, प्लेटी सॉइल होती है लाइक दिस। ये देखें, ये देखिए, ये हॉरिजेंटली अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैं जो कि क्या है, हॉरिजेंटली अरेंज्ड हैं। फिर उसके बाद होता है प्रिज्म लाइक। तो प्रिज्म लाइक कैसे होती है, अब यहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटली अरेंज होते थे और इधर क्या होंगे, ये वर्टिकली अरेंज होकर एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये एरिड हो गए, सेमी एरिड रीजन में मोस्टली देखने को मिलती है। इट मे बी प्रिज्मेटिक, ये प्रिज्मेटिक भी होती है, ये देख सकते हैं आप, ये क्या होते हैं, प्रिज्म लाइक, और ये वर्टिकली अरेंज होते हैं ना कि हॉरिजॉन्टली। उसके बाद होता है ब्लॉकी सॉइल। अब इधर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक की सॉइल कहते हैं। इट मे बी एंगुलर और सब एंगुलर, ये एंगुलर या सब एंगुलर हो सकती है। ये देखें, ये देख सकते हैं आपको, ये ब्लॉक्स बनाती है, वो ब्लॉक्स किसी भी डायमेंशन के हो सकते हैं। फिर उसके बाद होता है स्फेरॉइडल सॉइल। क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल एग्रीगेट्स टू फॉर्म स्फेरिकल शेप्स, कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट होने के बाद वो क्या करते हैं, स्फेरिकल शेप बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम स्फेरॉइडल सॉइल कहते हैं। इट मे बी ग्रेनुलर, या तो ये ग्रेनुलर होते हैं, ग्रेनुलर मतलब होते हैं नॉन पोरस को कहते हैं ग्रेनुलर, या फिर क्रम्ब होती है, जो क्रम्ब होती है वो क्या होती है, पोरस होती है, ठीक है। अब क्या होते हैं, जो ग्रेनुलर सॉइल होते हैं इज कंसीडर बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। दो तरह के होते हैं, या तो ये ग्रेनुलर बनाती है या फिर क्रम बनाती है। ग्रेनुलर वो होती है जो क्या होती है, नॉन पोरस होती है, जबकि जो क्रम होती है वो क्या होती है, पोरस होती है। लेकिन जो ग्रेनुलर होते हैं उसको बेहतर कंसीडर किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सो द लेक्चर इज एंड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइज योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।